ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पेन को 5% लॉस और बुक को 15% गेन पर अगर हम सेल करें तो ओवरऑल 7 रुपीज का गेन हो रहा है। पेन को 5% गेन और बुक को 10% गेन पर सेल करते हैं तो ओवरऑल 13 रुपीज का गेन हो रहा है। हमें बुक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। लेट अस अज्यूम पेन की कॉस्ट प्राइस है 100x रुपीज और बुक की कॉस्ट प्राइस है 100y रुपीज। 5% लॉस होने का मतलब है यहाँ हम लिखेंगे -5x, क्योंकि लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन, और 100x का 5% 5x होता है। 15% गेन पर अगर बुक सेल कर रहे हैं तो +15y करने पर हमारी वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, 5% प्रॉफिट यानी कि 5x प्लस 10% गेन दैट इज 10y इज इक्वल टू 13 रुपीज ओवरऑल गेन हो रहा है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 25y इज इक्वल टू 20y इज इक्वल टू 20/25 या 4/5। बुक की कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं, हमने ये वैल्यू 100y ली है तो 100 × 4/5 या ₹80। यहाँ 5 गोज इंटू 100 20 टाइम्स और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 80 रुपीस आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल जो बना है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से फॉर्म होके बना है। जो सर्कम सर्कल है ट्रायंगल टी का, उसकी रेडियस एल है। हमें एल की वैल्यू क्लोजेस्ट इंटीजर की फॉर्म में यहां निकालनी है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना होगा। ये हमारे पास में 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम इस लाइन को प्लॉट करना चाहें तो बड़ा आसान तरीका होगा, 3x + 5y इज इक्वल टू 45 हम करें। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, या अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। ये वो 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो 0,9 का मतलब हो गया हमारा ये एक पॉइंट हो गया है, और 15,0 मतलब हमारा ये एक पॉइंट हो गया है। तो ये लाइन जब दोनों एक्सिस को कट करती है तो इन 2 पॉइंट्स पे कट करती है। लेट अस इनका नाम हम दे देते हैं P Q। ये हमारा ओरिजिन है O। ये डिस्टेंस है 15 यूनिट्स, ये डिस्टेंस है 9 यूनिट। तो ये जो हमारा ट्रायंगल टी बना है, इसकी सर्कम रेडियस एल की लेंथ हमें पता करनी है ना। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। लेट अस से सर्कम सेंटर का नाम हमने दे दिया है ए, और सर्कम सेंटर का तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, और वही इस सर्कल की रेडियस भी होगी। सो दैट मींस हमें AP, AQ या AO कोई भी एक वैल्यू हमें निकालनी है, और इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि A मिड पॉइंट है, ये L जो है वो हाइपोटेनस PQ का हाफ होगा। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है POQ। 15 हमें साइड OQ गिवन है, 9 हमें साइड OP गिवन है, तो PQ की लेंथ हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15² + 9² 225 + 81 दैट इज 306 का स्क्वायर रूट। ना हमें मालूम है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो डेफिनेटली 306 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 17.5 के पास होना चाहिए। और PQ का हाफ जो होगा वो हमारी L होगी। यहाँ पर सर्कम रेडियस 17.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8.75 हमारा आंसर आता है। वो इंटीजर जो इस वैल्यू के क्लोजेस्ट है वो है 9, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा, 9। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। अगर हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से तीन कॉर्नर्स इस ढंग से कट करें कि हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागन H आ जाए, तो हमें पता करना है रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है उसका रेशियो ट्राइंगल के एरिया के साथ क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें मालूम है ये एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। रेगुलर हेक्सागन में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री होंगे, एंड सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री और ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री है। सो व्हाट वी कैन से हियर कि हमारे पास में ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इस साइड को हम x मानते हैं तो ये तीनों ही साइड्स हमारी x हो जाएंगी। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ये सभी साइड्स x के इक्वल होगी। ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड अगर हम 3x लेते हैं तो जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड x होगी। अब यहां पर आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइड स्क्वायर। यहां साइड x है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। ट्राइंगल जो रेगुलर है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। यहां साइड हो गई है 3x तो ये 3x का स्क्वायर हो गया है। √3 से √3 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 3/2 x स्क्वायर इज टू 9/4 x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, 3 गोज इनटू 9 3 टाइम्स और 2 को जब हम इधर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2:3। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका हमारे पास में और था। रेगुलर हेक्सागन की खास बात होती है कि जब हम ऑपोजिट डायगोनल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं। क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दोनों की साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया लेट अस से स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन 6 स्मॉल ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा 6a और इन 9 स्मॉल ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा 9a। तो सॉल्व करने पर हमारा जो डिजायर्ड रेशियो है वो वापस क्या आ जाएगा, 2:3। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अमला, बीना एंड गौरी जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, बी और जी से, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशियो है 3:4:5। जो इंटरेस्ट रेट इन्हें मिल रहा है वो है 6:5:4 के रेशियो में। बीना की जो इंटरेस्ट इनकम है वो अमला की इंटरेस्ट इनकम से 250 रुपीज ज्यादा है। हमें इन तीनों की टोटल इंटरेस्ट इनकम पता करनी है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं कि जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो हमें गिवन है, वो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं और इसमें वेरिएबल हम एक्स, वाई या जेड कोई भी एक वेरिएबल एसोसिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अमला की इनकम जो इन्वेस्टमेंट है वो ले लेते हैं 300x, बीना की इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 400x और गौरी का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 500x, क्योंकि रेशियो 3:4:5 होना चाहिए था ना। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 3x 4x 5x लें या 300x 400x 500x लें। हमने बस इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये वैल्यूज ली हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है 6:5:4 के रेशियो में, तो आप इसको 6%, 5%, 4% भी ले सकते हैं, 12%, 10%, 8% भी ले सकते हैं। इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस अस्यूम कि ये रेशियो है 6%, 5% एंड 4% का। तो अमला की जो इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम कितनी हुई इंटरेस्ट के रूप में उनको, 300x का 6%। नाउ ये कैलकुलेशन हमें थोड़ी जल्दी करनी होती है। इसका 1% होता है 3x, तो 6% हो गया 18x। तो अमला की जो इंटरेस्ट के कारण इनकम है वो है 18x। व्हाट अबाउट बीना, 400x का 5%, इसका 1% 4x होता है तो 5% हो गया है 20x। एंड गौरी को 500x का 4% यानी अगेन 20x। तो इन तीनों की जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो हो गई है 58x। यहां पर गिवन है कि बीना की इंटरेस्ट इनकम दैट इज 20x अमला की इंटरेस्ट इनकम से 250 रुपीज ज्यादा है, सो दैट मींस 2x इज इक्वल टू 250, x इज इक्वल टू 250 अपॉन 2 या 125. अब हम 58x हमें निकालना है, तो इसके लिए x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. 58 इंटू 125 करने पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ₹7250. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बस हमें तेजी से करना था, अदरवाइज क्वेश्चन ये आसान था. ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल का एक क्वेश्चन है. आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मालूम हो. A1, A2, A3 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसका मतलब ये है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए. हेंस सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें या हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें या हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें एंड सो ऑन, अगर n प्लस फर्स्ट टर्म में से हम nth टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हर बार हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए. और ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस d. तो यहां पर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच ये हो सकता है कि आप ये फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म को अगर देखें, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही अगर हम सेकेंड टर्म को देखें तो यहां लिखा है अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3, तो इसे हम अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन. इसका मतलब है जो हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पर दैट इज रिटन एज अंडर रूट an यहाँ पर डिनोमिनेटर पे और अंडर रूट an प्लस 1. इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर हम अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an प्लस 1 और अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे फायदा क्या होगा हमारे पास में, यहां हमारे पास बचेगा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, जबकि यहां बचेगा a1 माइनस a2. ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में बचेगा अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 और डिनोमिनेटर पे बचेगा a2 माइनस a3 एंड सो ऑन. लास्ट में हमारे पास बचेगा यहां पर अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an प्लस 1 अपॉन an माइनस an प्लस 1. Now, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 ये सब भी वैल्यू जो है वो d के इक्वल है, तो a1 माइनस a2, a2 माइनस a3 ये सब माइनस d के इक्वल हो जाएंगे. तो डिनोमिनेटर पे हम माइनस d लिख सकते हैं सभी की जगह पे. अगर इस माइनस को हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, यहां माइनस और यहां पर प्लस हो जाएगा. ये माइनस हम यहां से हटा देंगे. ऐसे ही यहां माइनस और यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस, और ये d हम यहां से माइनस जो साइन है वो डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं. अब इन सबको अगर हम देखें तो अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a2 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज d इनका एलसीएम है. अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a3 से एंड सो ऑन माइनस अंडर रूट an, उसके जस्ट पहले जो प्लस अंडर रूट an आया है उससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में सिर्फ यहां पर दो टर्म्स बचेंगी, एक तो ये अंडर रूट an प्लस 1 और एक बचेगी अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाई d. यहां पर डिनोमिनेटर पे हमने कॉमन डिफरेंस d जो है वो लिख दिया है. अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो उसका बड़ा अच्छा सा तरीका होगा. अगेन हम क्या करें कि न्यूमरेटर से ये जो अंडर रूट का टर्म है इनको हटा दें, तो इसके लिए अंडर रूट an प्लस 1 प्लस अंडर रूट a1 से ऊपर और अंडर रूट an प्लस 1 प्लस अंडर रूट a1 से नीचे हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें. ऐसा करते ही क्या होगा, यहां पर यह हो जाएगा an प्लस 1 माइनस a1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an प्लस 1 और d बाहर है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n प्लस फर्स्ट टर्म निकालना आसान है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म दैट इज a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस और माइनस a1 हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय b अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट an प्लस 1। a1 से a1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा n अपॉन अंडर रूट a1 ओवर अंडर रूट an प्लस 1। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको अप्रोच मालूम होनी चाहिए और एक बार अगर आपको अप्रोच मालूम हो तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है, इस सर्कल की रेडियस में 5 सेंटीमीटर गिवन है, O इस सर्कल का सेंटर है, P और Q दो पॉइंट्स हैं इस सर्कल पे, जरूरी नहीं कि दोनों अपोजिट साइड्स हो, हम दोनों को एक तरफ भी ले सकते हैं। लेंथ ऑफ PB हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AP जो है वो AQ से डबल है, हमें BQ की लेंथ पता करनी है इन सेंटीमीटर, जो इन 4 वैल्यूज के जिसके भी नियरेस्ट हो वो हमारा आंसर होगा। नाउ अगर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी डायमीटर AB कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। नाउ सर्कल में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेमी सर्कल में जो बनने वाले इस तरह से एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अगर हम डायमीटर को यहाँ पर लें और इस तरफ कोई भी एक पॉइंट चुन के ट्राइंगल बनाएं तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम AP की लेंथ निकाल सकते हैं। PB की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, AB हमें 10 सेंटीमीटर मालूम है, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर और अंडर रूट 100 माइनस 36 64, तो ये आ गया है 8 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है। AP AQ से डबल गिवन है तो AQ की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हम BQ की वैल्यू भी सेम लॉजिक से निकाल सकते हैं, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, सो लेंथ ऑफ BQ विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, या इसको हम 16 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, सो 100 माइनस 16 करने पर 84 का अंडर रूट, ये BQ की वैल्यू आ गई है। अब एज वी कैन सी आंसर जो है वो 81 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 8.5 और 7.8 तो आंसर नहीं हो सकते बिकॉज 81 9 का स्क्वायर है। अगर हम 9.1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि कौन सा आंसर हमारा पॉसिबल है। अगर आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 84 पॉइंट यहाँ पर आप 00 इस तरह से लिख के पेयर बना लें, हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81, यहाँ हम 9 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर विल गेट 3, इन दोनों को ऐड करने पर विल गेट 18। अब ये दो डिजिट्स एक साथ हम उतारेंगे, वी कैन राइट एन एक्स हियर एंड एक्स हियर। एक्स वो नंबर होना चाहिए जिसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 300 के इक्वल या उससे लेस आए। डेफिनेटली एक्स कैन नॉट बी मोर देन 1, इट हैज टू बी 1, सो 181 यहाँ पर आ गया, माइनस करने पर 119 एंड विल प्रोसीड। तो हमारा आंसर क्लोजेस्ट किसके इक्वल होगा? 9.1 के। अदरवाइज आप 9.1 का स्क्वायर और 9.3 का स्क्वायर करके देख सकते थे कि कौन सा आंसर 84 के ज्यादा क्लोज है और उसी को आप आंसर मार्क कर सकते थे। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन है। सर्कल है जिसकी रेडियस 11 सेंटीमीटर गिवन है, CD इस सर्कल की डायमीटर है, AB एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट E पर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। CE की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमें AE और BE का डिफरेंस जो है वो पता करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इनमें से कौन सा बड़ा है, हमने मॉडुलस का साइन इस्तेमाल कर लिया है, दैट मीन्स हायर वैल्यू में से हमें लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर 11 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर होगी 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर CE की लेंथ हमें 7 गिवन है तो DE की लेंथ हम निकाल सकते हैं 22 माइनस 7 या 15 सेंटीमीटर। AE को अगर हम x मान लें तो क्योंकि AB 20.5 है, BE हमारे पास बचेगा 20.5 माइनस x। अब यहाँ पर सर्कल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो पार्ट्स का प्रोडक्ट होता है वो आपस में इक्वल होता है। दैट इज ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। ये एक बेस प्रॉपर्टी है जो आपने कंसेप्ट लेक्चर्स में जरूर पढ़ी होंगी। ए ई एक्स है, बी ई हो गया है 20.5 माइनस एक्स, सी ई है 7 और डी ई है 15। 20.5 को हम लिख सकते हैं 41/2। सॉल्व करेंगे तो 41 माइनस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू 105। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसको ओपन करेंगे तो 41x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 210। इन दोनों को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 210 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20x प्लस 210 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 21। यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 21। 2x माइनस 21 हमारा कॉमन आ गया है तो अंदर बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो 2x की वैल्यू 21 है तभी ये हिस्सा 0 होगा, या x की वैल्यू 10 है। तो इस केस में x की वैल्यू होगी 10.5 या x की वैल्यू होगी 10। तो अगर हम AE को या x जिसको हमने माना है इसे 10.5 लेंगे तो BE हो जाएगा 20.5 माइनस 10.5 यानी कि 10, और AE को अगर हम 10 मानेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। दोनों ही केसेस में इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0.5। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो बाइसिकल हैं हमारे पास में ए एंड बी। बाइसिकल ए के जो व्हील्स हैं उनकी रेडाई है 30 सेंटीमीटर और बाइसिकल बी के जो व्हील्स हैं उसकी रेडाई है 40 सेंटीमीटर। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर बाइसिकल बी के व्हील्स n रिवोल्यूशंस लेते हैं हर एक व्हील, तो बाइसिकल ए के व्हील्स लेंगे n + 5000 रिवोल्यूशंस। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ये सर्टेन डिस्टेंस बाइसिकल बी 45 मिनट्स में कवर करती है, तो बाइसिकल बी की स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आर में। ना हमें मालूम है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो इक्वल किसके होता है, एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टेकन। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन में बाइसिकल बी डिस्टेंस कवर करेगी 2 × π × r जो कि इसकी रेडियस है 40। तो n रिवोल्यूशंस में वो ये डिस्टेंस कवर करेगी। सेम डिस्टेंस बाइसिकल ए ने भी कवर किया है तो यहां भी यही हम कर सकते हैं 2 × π × रेडियस × नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस n + 5000। क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने इक्वल कवर किया है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। 2π से 2π हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। सो 3n + 15000 इज इक्वल टू 4n। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 15000। तो जो रिवॉल्यूशंस बाइसिकल बी के व्हील्स ने लिया है वो है 15000। अब आसानी से हम बाइसिकल बी की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कवर को टाइम टेकन से डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस कवर क्या है 2 × π × रेडियस दैट इज 40 सेंटीमीटर इंटू रिवोल्यूशंस 15000। ये वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिलेगी। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड करना होगा और किलोमीटर में बदले तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये डिस्टेंस 45 मिनट में कवर किया जाता है। इस मिनट्स को आर में बदलने के लिए 45 को 60 से डिवाइड करें या यहाँ पर हम इसको न्यूमरेटर पे 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 0 कैंसिल हो गए हैं, ये 2 0 कैंसिल हो गए हैं। 15 गोज इंटू 45 3 टाइम्स, 3 गोज इंटू 6 2 टाइम्स। सो 2 × 2 × 4 16π किलोमीटर पर आर बाइसिकल बी की स्पीड हमारे पास में आ गई है। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। fx प्लस वाई हमें डिफाइन है, fx इंटू एफ वाई, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, f1 की वैल्यू 2 गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 गिवन है, हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए ये होगा f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 हमें मालूम है 2 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2। ऐसे ही अगर f ऑफ a प्लस 2 निकालना हो तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस 1, इसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस 1, ये एक साथ लिख दें और f ऑफ 1 अलग लिख दें। f ऑफ a प्लस 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है f ऑफ a इंटू 2 के इक्वल और f ऑफ 1 भी 2 के इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर 2। और इस तरह से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जब 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 है, यहाँ जब 1 लिखा है तो 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर 2, इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन, f ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर n, और ये हमें गिवन है 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक टोटल n टर्म्स हैं। f ऑफ a हम कॉमन ले लें, इंटू 2 भी हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और अगर हम 2 कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 अप टू 2 रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया है जहाँ फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। ये होगा फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इंटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर n माइनस 1, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, अपॉन 2 माइनस 1, दिस इज 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 तो कैंसिल हो गया है, 2 माइनस 1 1 होता है, 2 गोज इंटू 16 8 टाइम्स, तो हमें f ऑफ a की वैल्यू 8 आ गई है। अब f ऑफ a क्या हो कि आंसर 8 आए, इसके लिए हमें a की वैल्यू पता करनी होगी, और अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। हम f1 तो गिवन है 2, व्हाट अबाउट f2, ये हो जाएगा f1 प्लस 1, तो इसे हम लिखेंगे f1 इंटू f1, या इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4। ऐसे ही अगर हम f3 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा f2 प्लस 1, या इसे लिखेंगे f2 इंटू f1। f2 हमारे पास हो चुका है 4, f1 2 है, तो आंसर 8 आ गया। इसका मतलब है a की जो हमारी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, 3। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। कैट में प्रीवियस ईयर्स में भी इसी पैटर्न पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 10। हमें 1 1 से यानी पॉइंट ए से पॉइंट सी जाना है वाया पॉइंट बी। हमें पता करने हैं कुल कितने पाथ्स अवेलेबल हैं, सच दैट अगर हम एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं वहाँ से मूव करें तो या तो हम x प्लस 1 कॉमा वाई पर जा सकते हैं या x कॉमा वाई प्लस 1 पे जा सकते हैं। ना इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लें कि अगर कोई पर्सन पॉइंट A पर खड़ा है तो उसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो x प्लस 1 कॉमा वाई यानी पॉइंट 2 1 पे मूव करेगा, या वो x कॉमा वाई प्लस 1 पॉइंट 1 कॉमा 2 पर मूव करेगा। दैट मीन्स यहाँ से कोई पर्सन या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, ये बेसिक चीज है। तो हमें ए से सी जाना है, मूवमेंट या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा और एक बार में हम सिर्फ एक स्टेप ही मूव कर सकते हैं। तो हमें पता करना है ए से सी जाने के कुल कितने पाथ्स हैं वाया बी। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ए से बी आने के कुल कितने पाथ्स हैं। ना ए से बी आने के लिए हमें ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये 1, 2 और 3 टाइम चलना होगा। लेट अस से हर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम x कहें तो ए से बी आने के लिए हमें x 3 बार चलना होगा और y ये जो वर्टिकल मूवमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 हमें y जो मूवमेंट है वो 5 बार करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम a पॉइंट ए से पॉइंट बी आना चाहते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 3 बार और वर्टिकल मूवमेंट 5 बार करना होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ पर मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल और y 5 बार आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम कहते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया है, 6 कैंसिल हो गया है तो 56। तो ए से बी आने के टोटल 56 डिस्टिंक्ट पाथ्स अवेलेबल हैं। इसे हम कैसे समझें, जब हम इनको अरेंज करते हैं तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन हमारे पास में आया है x y y x y y y x। यहाँ x का मूवमेंट 3 बार है और y का मूवमेंट 5 बार है। तो हम देखेंगे कि अगर हम ए से शुरुआत करें तो क्या हम बी पर पहुंचेंगे। सबसे पहले एक्स मूवमेंट होगा, फिर 2 बार वाई मूवमेंट, फिर 1 बार एक्स मूवमेंट, फिर 3 बार वाई मूवमेंट 1, 2 एंड 3 एंड फाइनली लास्ट 1 बार और एक्स मूवमेंट। एंड वी कैन सी हम पॉइंट ए से कहाँ आ चुके हैं, पॉइंट बी पर। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो अब बी से सी जाना और भी आसान होगा, वो भी इजीली हम कर सकते हैं। तो ए से बी आने के टोटल 56 पाथ्स हो गए हैं। व्हाट अबाउट बी टू सी। बी से सी आने के लिए हमें एक्स मूवमेंट टोटल 4 टाइम्स करना है, दैट इज एक्स 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 एक्स, और वाई मूवमेंट हमें 1, 2, 3, 4 टाइम्स करना है। सो वाई 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 वाई। अब ये जल्दी भी करना आसान था, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 4, 6, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 8, 10। तो 8 माइनस 4 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 4 बार होगा, 10 माइनस 6 वर्टिकल मूवमेंट भी 4 बार होगा और इसका आंसर क्या होगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 हो गया है और ये जो 4 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया है, 3 गोज इंटू 6 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70 पाथ्स। तो बी से सी आने के कुल 70 पाथ्स हैं, ए से बी आने के 56 पाथ्स हैं, तो ए से सी जाने के वाया बी कुल कितने पाथ्स होंगे। ए से बी आने के 56 पाथ्स, बी से सी जाने के 70 पाथ्स। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3920। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A1 से लेके AN तक हमें वैल्यू गिवन है जहां n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। A11 की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले n की वैल्यू 11 पुट करें। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 2 A10 A11 हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11 प्लस 1 माइनस 2। हमने n की जगह 11 पुट कर दिया है। अब यहीं अगर हम n की जगह 10 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैलकुलेशन हमारी A10 तक होगी 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस 1 माइनस 2। और अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये A1 से लेके और A10 तक सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। वी विल बी लेफ्ट विद A11 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया है 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 11 और ये +6 हो गया है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर हम 3 × 2⁴ अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2⁴ -1। 2 - 1 1 हो चुका है। सो दिस इज 3 × 2⁴। हमें मालूम है 2⁴ जो है वो होता है 2048। तो जब हम 2048 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6144। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 3 ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि मूव करते हैं एट स्पीड 10 km/h, 20 km/h एंड 30 km/h। अमल जो है वो ए से बी जाने का जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट्स में ट्रेवल करता है और हर एक पार्ट में वो इक्वल टाइम देता है, यानी हर एक मोड जो है उसको वो इक्वल टाइम के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि बिमल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तीनों मोड से। तो लेट अस अज्यूम कि अमल x आर्स चलता है 10 km/h वाले मोड से, x आर्स चलता है 20 km/h और x आर्स चलता है 30 km/h वाले मोड से। तो ये डिस्टेंस कुल कितना कवर करेगा? ये होगा 10x किलोमीटर, 20x किलोमीटर एंड 30x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है ए से बी के बीच में वो हो जाएगा 60x किलोमीटर। अच्छा, अगर आप x नहीं लेके x की जगह 1 hour भी ले लेते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमल ने टोटल कुल कितना टाइम लिया? 3x hours। अब हम बात करते हैं बिमल की। ये जो टोटल डिस्टेंस है 60x किलोमीटर उसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से, 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से और 20x किलोमीटर उसने कवर किया है इस मोड से। हमें पता करना है कि बिमल को कुल कितना टाइम लगा होगा। जवाब होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये हो गया है 2x hours। डिस्टेंस ओवर स्पीड ये हो गया है x hours एंड यहाँ पर डिस्टेंस ओवर स्पीड ये हो गया है 2/3x hours। तो टोटल टाइम कितना लगा है बिमल को ए से बी जाने में? हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो 2x + x ये हो गया है 3x प्लस 2/3x या 11/3x hours। ये है जो टाइम लिया है बिमल ने और ये है जो टाइम लिया है अमल ने। हमें ये पता करना है कि अमल ने जो टाइम लिया है, बिमल ने जो टाइम लिया है वो अमल के टाइम से अप्रोक्सीमेटली कितने % ज़्यादा है। इसका जवाब बड़ा अच्छा होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 11x/3 - 3x ये हो गया है 2x/3। ये विद रेस्पेक्ट टू अमल कितने % ज़्यादा है निकालने के लिए 2x/3 को हम डिवाइड कर देंगे अमल के टाइम से और % में बदलने के लिए इंटू 100। x ये कैंसिल हो गया है। 2/9 इंटू 100 यह आंसर होगा 22.22%। तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो हमारी होगी 22%। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट रखनी होगी। fn n × n+1 के इक्वल है अगर n इवन है और fn n+3 के इक्वल है अगर n ऑड है। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। साथ में ये भी गिवन है 8 times of f of m + 1 -f of m = 2 है, जहाँ m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। m या तो एक इवन इंटीजर होगा या ये एक ऑड इंटीजर होगा। लेट अस अज्यूम m जो है वो एक ऑड इंटीजर है। अच्छा, अगर m एक ऑड इंटीजर हो गया यानी ये ऑड हो गया तो m+1 क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो इवन हो जाएगा। तो जब हम 8 times f of m+1 की वैल्यू निकालेंगे और उसमें से fm को सब्ट्रैक्ट करके =2 पुट करेंगे तो हमें मालूम है m+1 इवन है। और जब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो इवन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें n को रिप्लेस करना है m+1 से। तो ये हो जाएगा 8 × m+1 × m+1 + 1। क्योंकि m ऑड है और जब हम ये वाली वैल्यू ऑड लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें n को रिप्लेस करना होगा m से। सो m प्लस 3 = 2, 8 × m+1 × m+2 माइनस m प्लस 3 - 2 = 0, 8 m² + 3m + 2 - m - 3 - 2 = 0। ओपन करते हैं, 8 m² + 24m + 16 - m - 5 = 0। सो ये हो गया है 8 m² + 23 m + 11 = 0। हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m किसके इक्वल होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ m, दैट इज 23, प्लस माइनस अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ m का स्क्वायर, दैट इज 23 का स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। सो ये हुआ है -23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर करने पर हमारे पास में आएगा 529 और 4 × 8 = 32 × 11 करने पर 352 / 16। 529 माइनस 352 करने पर वी गेट √177। क्योंकि √177 निकालते समय हमारा आंसर इंटीजर नहीं आएगा, हम ये कहेंगे कि m की ये वाली जो कंडीशन हमने अज्यूम की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज m एक पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन है। तो अब हम क्या करें? यहाँ पर हमें मानना होगा कि m एक ऑड इंटीजर ना होके क्या होगा? इवन इंटीजर। अब जैसे ही हम m को एक इवन इंटीजर मानेंगे, m+1 क्या हो जाएगा? ऑड। तो जब m+1 ऑड होगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n की जगह हम m+1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × m+1 + 3। m को हमने इवन लिया है तो इवन होने पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे और n को m से रिप्लेस कर देंगे, तो m × m+1 = 2। सॉल्व करते हैं, ये हो गया है 8 × m+4 - m² - m = 2, 8 m + 32 - m² - m = 2। हम -m² को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +m²। 8m - m करने पर +7m है, उधर जाने पर -7m, +32 उधर जाके माइनस हो जाएगा और -32 + 2 करने पर -30। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, m² - 10m + 3m - 30 = 0। m कॉमन, m - 10, 3 कॉमन, m - 10, वी कैन टेक m - 10 एज कॉमन, m + 3। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो m की वैल्यू या तो 10 होगी या -3। क्योंकि m गिवन है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 3 हॉर्सेस हैं A, B एंड C। इसे हम फर्स्ट हॉर्स कह रहे हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड हॉर्स। फर्स्ट हॉर्स सेकंड हॉर्स को बीट करता है बाय 11 मीटर इन अ रेस और वो थर्ड हॉर्स को बीट करता है बाय 90 मीटर्स। वेयर सेकंड हॉर्स जो है वो थर्ड हॉर्स को 80 मीटर से बीट करता है उसी रेस में। हमें रेस कोर्स की लेंथ पता करनी है, तो यहाँ सबसे पहले हमें काम करते हैं, रेस कोर्स की लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर। तो इट इज गिवन कि जब A x मीटर रन करेगा तो हॉर्स B उससे 11 मीटर कम रन करेगा, यानी x - 11 मीटर, और C जो है वो A से 90 मीटर कम रन करेगा, यानी कि x - 90 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस इन्होंने रन किया है उसका रेशियो आ गया है। इससे हमें B और C की जो डिस्टेंस कवर है उसका रेशियो आ चुका है। ऐसे ही जब हम इस केस को करते हैं B बीट C बाय 80 मीटर्स, यानी जब B x मीटर रन करेगा, वो रेस पूरी करेगा, तब C उससे 80 मीटर पीछे होगा, तो वो रन करेगा x माइनस 80 मीटर्स। इस पूरी रेस में हॉर्सेस ने अपनी स्पीड जो है वो चेंज नहीं की है, तो उनका रेशियो हर बार सेम रहेगा। यहां से B और C की स्पीड का रेशियो है x माइनस 11 ओवर x माइनस 90, और यहाँ B और C की स्पीड का रेशियो है x ओवर x माइनस 80। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 11 को x माइनस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 91x प्लस 880, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 90x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 91x उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 91x माइनस 90x करने पर x इज इक्वल टू 880। तो हमारे पास में जो रेस कोर्स है उसकी लेंथ आ गई है 880 मीटर्स। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। एक क्लब में टोटल 256 मेंबर्स हैं एंड ईच मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट। दैट मीन्स ये वैल्यू 0 हो गई। फुटबॉल खेल सकने वाले 144, टेनिस 123 एंड क्रिकेट 132 मेंबर्स हैं। दोज हु कैन प्ले फुटबॉल एंड टेनिस आर 58, टेनिस एंड क्रिकेट आर 25, फुटबॉल एंड क्रिकेट आर 63। वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी मेंबर्स कैन प्ले ओनली टेनिस। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेट थ्योरी का जो बेसिक फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये है फुटबॉल यूनियन टेनिस यूनियन क्रिकेट। नंबर अगर पता करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर हु कैन प्ले फुटबॉल प्लस नंबर हु कैन प्ले टेनिस प्लस नंबर हु कैन प्ले क्रिकेट माइनस दोज हु कैन प्ले फुटबॉल एंड टेनिस, दोज हु कैन प्ले टेनिस एंड क्रिकेट, एंड दोज हु कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लस दोज हु कैन प्ले फुटबॉल एंड टेनिस एंड क्रिकेट। तो सबसे पहले इन तीनों को तो प्लस करते हैं, सिंगल्स को, डबल को माइनस करते हैं और ट्रिपल को प्लस करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें फुटबॉल इंटरसेक्शन टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट नहीं मालूम है। लेट अस से ये वैल्यू हो गई है एक्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 256 माइनस 0 के, क्योंकि इन सभी का जो सम है वो फुटबॉल यूनियन टेनिस यूनियन क्रिकेट कहलाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 256। नाउ फुटबॉल 144, टेनिस 123, क्रिकेट 132, फुटबॉल एंड टेनिस 58 माइनस टेनिस एंड क्रिकेट माइनस फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लस ऑल थ्री। ये वैल्यू हो गई है हमारे पास में x। यहाँ हम लिखेंगे 256। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो वी गेट 399 माइनस, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 146 plus x. So this is 256 is equal to 253 plus x. तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 256 minus 253 या 3. एक बार हमारे पास में x की वैल्यू 3 आ जाए तो कैन यू फाइंड दिस वैल्यू। 25 minus 3 करने पर ये 22 होगा। वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस वैल्यू, 58 minus 3 करने पर 55. अब ये वैल्यू हम कैसे निकालें, टोटल 123 जो टेनिस खेल सकते हैं उनमें से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। इन तीनों का सम होता है 80, तो 123 माइनस 80 करने पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 43. आसान क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला लगाना था और टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन तेजी से करनी थी। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर किसी ईयर के बिगिनिंग में पॉपुलेशन पी है तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उस वैल्यू का डबल प्लस 3। 2019 के बिगिनिंग में पॉपुलेशन 1000 गिवन है, 2034 के बिगिनिंग में हमें पॉपुलेशन मालूम करनी है। ये हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस का सहारा लें तो हम इमीडिएटली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। अगर ये पॉपुलेशन 2019 के बिगिनिंग में 1000 है तो आफ्टर 1 ईयर, यहाँ से यहाँ मतलब 1 साल हो गए, हम इस पॉपुलेशन को कहेंगे डबल प्लस 3। ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। व्हाट अबाउट 2021? अब ये जो पॉपुलेशन है ये डबल हो जाएगी और इसमें हम 3 ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसको हम डबल करेंगे वी कैन राइट डाउन 2 into 1000 into 2 plus 3, इसको डबल करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। 2022 के बिगिनिंग में अब हम इस वैल्यू को डबल करेंगे, सो 2 into 1000 into 2 plus 3, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और प्लस 3 एंड सो ऑन। अब नॉर्मली इस तरह से जब हम क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं तो एक स्टेज के बाद जाके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए 1000 की जगह हम सिर्फ P लिख देते हैं, लास्ट में हम P को रिप्लेस कर देंगे 1000 से। तो ये हो गया है 2P प्लस 3। 2021 में क्या होगा, ये वैल्यू डबल होगी, इसका डबल होने का मतलब है 4P प्लस 6 और प्लस 3 ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगी 4P प्लस 9। व्हाट अबाउट 2022? अब ये वैल्यू डबल होगी, 8P प्लस 9 का डबल 18 और प्लस 3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 8P प्लस 21। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो की है वो ये है कि आपको एक सही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में या एक फॉर्मेट में ले आए। इन वैल्यूज को जरा ध्यान से देखें। यहां पर जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 minus 3। यहां पर अगर ये 9 को हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 4 into 3 minus 3। 21 को देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 8 into 3 minus 3 एंड सो ऑन। इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया है P प्लस 3 minus 3। यहां पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, P प्लस 3 minus 3। यहाँ 8 कॉमन ले सकते हैं, P प्लस 3 minus 3। तो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न है उस फॉर्म ने इस वैल्यू को हमने लिख दिया है। 2 को हम 2 raised to the power 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, 8 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स ये वैल्यू आ रही है। तो 2019 से 2034 तक जाते समय 15 ईयर्स होंगे, तो हम कहेंगे आफ्टर 15 ईयर्स पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, 2 raised to the power 15 into P प्लस 3 minus 3। P की वैल्यू 1000 है, 1000 प्लस 3 पुट करते ही ये हो गया है 1003 इंटू 2 raised to the power 15 minus 3, और ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यही हमारा इस केस में आंसर भी होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हमें क्लिक ना करें एग्जाम में और फिर भी हमें अटेम्प्ट करके आंसर निकालना हो तो आपको ऑप्शंस को थोड़ा केयरफुली डील करना होगा। यहां पर एक काम करते हैं, 2019 की पॉपुलेशन है 1000। हम देखते हैं कि 2020 में ये पॉपुलेशन क्या होगी। इसको डबल करेंगे, दैट इज 2000, और इसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये पॉपुलेशन 2003 होनी चाहिए। अब इन ऑप्शंस में हम ये अज्यूम करते हुए कि कैलकुलेशन 15 साल ना हो कि 1 साल की हुई है, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 raised to the power 15 है 15 ईयर्स में, तो अगर 1 साल होता तो 2 raised to the power 1 होता। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1003 इंटू 2 raised to the power 1 यानी 2 minus 3 करने पर वी कैन सी हमारा आंसर 2003 आ रहा है। सो दिस इज अ प्रोबेबल आंसर। अगर हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ 997 raised to the power 15 हो रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, तो आफ्टर 1 ईयर इट मस्ट बी 997 की पावर 1 minus 3, पर ये आंसर 996 आ रहा है, हमें 2003 चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पर हमें 997 लिखना है। इस कैलकुलेशन में 15 ईयर्स की बात हो रही है, तो पावर में 14 है, तो 1 ईयर की बात होने में पावर में 0 होना चाहिए। तो 2 raised to the power 0 plus 3 यानी कि आंसर 1000 होगा, बट हमें चाहिए 2003। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। एंड सिमिलरली अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं तो आफ्टर 1 ईयर ये पावर में 15 की जगह 1 होना चाहिए, और प्लस 6 करने पर 1009, हमें 2003 चाहिए। क्योंकि ये तीनों आंसर नहीं हो सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अमला की इनकम, इसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20% मोर देन बिमलाज इनकम, इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमला की इनकम कमला की इनकम से 20% लेस है, यह कमला की इनकम को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कमला की इनकम गोज डाउन बाई 4% एंड बिमला की इनकम गोज अप बाई 10%, तो हमें ये पता करना है कि जो कमला की इनकम है वो बिमला की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दी गई है। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम यहाँ बिमला की इनकम है 100, अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है, इसका 20% होता है 20, तो अमला की इनकम हो जाएगी 120। अमला की इनकम कमला से 20% कम है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं दैट अमलाज इनकम इज 20% लेस देन कमलाज इनकम और इट इज 80% ऑफ कमलाज इनकम। सॉल्व करेंगे तो 120 के इंटू 80% को लिख सकते हैं 80/100 या 4/5। 4 गोज इंटू 120 30 टाइम्स एंड 30 इंटू 5 करने पर कमला की इनकम आ जाएगी 150। अब कमला की इनकम 150 आ गई है, अमला की इनकम है 120 और बिमला की इनकम हमने 100 अज्यूम की थी। कमला की इनकम गोज डाउन बाई 4%, इसका 1% होता है 1.5, तो 4% होगा 6। अगर 6 कम कर दें तो हमारे पास कमला की न्यू इनकम आ जाएगी 150 माइनस 6 दैट इज 144। बिमला की इनकम गोज अप बाई 10%, इसका 10% होता है 10, तो बिमला की न्यू इनकम हो जाएगी 110। हमें पता करना है कमलाज इनकम एक्सीड्स बिमलाज इनकम बाय हाउ मच परसेंट। एज वी कैन सी दिस वैल्यू एक्सीड्स दिस वैल्यू बाय 34। कंपैरिजन बिमला की इनकम के बेसिस पे होगा, तो 110 डिनोमिनेटर पे और इंटू 100। ये हो गया है 340/11। अगर ये 341 होता तो 31% होता, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर इज प्रेटी क्लोज टू 31% और इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। शी स्कोर्स 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। लेट अस से मैक्सिमम मार्क्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। इट इज गिवन दैट इवन आफ्टर हर रिव्यू जो स्कोर है वो 50% बढ़ जाता है, शी स्टिल फेल्स बाय 35 मार्क्स। अगर अब जो मार्क्स आए हैं वो 20% और इंक्रीज हो जाते, देन शी वुड हैव पास बाय 7 मार्क्स। हमें पता करना है पासिंग स्कोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 जगह हमें एक्चुअल वैल्यूज मिली है और बाकी जगह हमें परसेंटेज में जानकारी दी गई है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स को हम अज्यूम कर लेते हैं 100x। यहाँ हम 100 अज्यूम नहीं करेंगे। इनिशियली शी स्कोर्स 40% ऑफ 100x यानी कि 40x। जब ये मार्क्स 50% बढ़ जाते हैं, 50% होगा इसका हाफ दैट इज 20x, तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 60x। वो अभी भी 35 मार्क्स से फेल हो गई है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये इक्वल है पासिंग मार्क्स माइनस 35। ये वैल्यू जब 20% और बढ़ जाएगी तो 72x हो जाएगा। अब उसके स्कोर जो होंगे वो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 72x इज इक्वल टू पी प्लस 7 एंड 60x इज इक्वल टू पी माइनस 35। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट 12x। पी कैंसिल हो जाएगा 42, x की वैल्यू 3.5। तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 100 इंटू 3.5 दैट इज 350। पासिंग मार्क्स हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 60 इंटू 3.5 करेंगे तो 210 इज इक्वल टू पी माइनस 35 या p इज इक्वल टू 245। पासिंग मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 350 इंटू 100, 0 कैंसिल, 35 गोज इंटू 245 7 टाइम्स और 7 इंटू 10 करने पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 70%। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 5.55 रेज टू द पावर x इक्वल है 0.555 रेज टू द पावर y के और ये दोनों ही इक्वल है 1000 के। हमें 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इन दोनों पर फोकस करते हैं और इस पावर को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, इसको इसके रेसिप्रोकल से हम रेज कर देंगे। या नॉर्मल इंडाइसेस का रूल है जब भी एक पावर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आती है तो ये रिवर्स हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5.55 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। ऐसे ही जब हम इन दोनों को देखते हैं तो 0.555 इक्वल हो जाएगा 1000 रेज टू द पावर 1/y के। यहाँ पर इसमें और इसमें सिर्फ यहाँ डेसिमल जो है उसकी पोजीशन का फर्क है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर हो जाएगा 5.55 और ये हो जाएगा 1000 रेज टू द पावर 1 बाई y इंटू 10। 5.55 दोनों तरफ है तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे। तो 1000 रेज टू द पावर 1 बाई x इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 1 बाई y इंटू 10। इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1 बाई x। ये भी 10 रेज टू द पावर 3 है इंटू 10। बेस यहाँ पर इसको हम ओपन कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3 ओवर x। ये 10 रेज टू द पावर 3 ओवर y इंटू 10। यहाँ पर हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 10 रेज टू द पावर 3 ओवर x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3 ओवर y प्लस 1। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। 3 ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर y प्लस 1। 3 ओवर y इस तरफ ले आते हैं सो 3 ओवर x माइनस 3 ओवर y इज इक्वल टू 1। 1 बाई x माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू 1 एंड हेंस 1 बाई x माइनस 1 बाई y किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ गर्ल्स 60% गिवन है टोटल का। गर्ल्स जो है वो बॉयज से 30 ज्यादा हैं। एक एग्जाम में 68% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनमें 30 बॉयज भी हैं। हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। इस पूरे क्वेश्चन में वैसे तो सारी जानकारी परसेंटेज में दी गई है सिवाय इन दो वैल्यूज की। तो हम एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में वो अज्यूम कर लेते हैं 100x। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। गर्ल्स 60% होने का मतलब है 60x है तो बॉयज होंगे 40x। अब इस इंफॉर्मेशन का अगर हम सहारा लें कि गर्ल्स बॉयज से 30 ज्यादा है तो 60x इज इक्वल टू 40x प्लस 30, 20x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.5। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर सकते हैं कुल कितने बॉयज हैं, कुल कितने गर्ल्स हैं। 100 इंटू एक्स करने पर ये हो गया है 150, 60 इंटू एक्स करने पर ये हो गया है 90 और ये हो गया है 60। अच्छा, टोटल 68% स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो 150 का अगर हम 68% निकालें तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 50 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स। 34 इंटू 3 करने पर टोटल 102 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनमें से 30 बॉयज भी हैं। तो कैन यू फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है? वो है इन दोनों का डिफरेंस 72। तो कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो पास नहीं हुई हैं? वो इन दोनों का डिफरेंस होगा 18। और परसेंटेज में हमसे पूछा गया है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू 100। 0 कैंसिल हो गया है, आंसर होगा 20%। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट द टाइम टेकन बाय 3 men and 8 machines टू डू अ जॉब इज हाफ द टाइम टेकन बाय 3 machines and 8 men टू डू द सेम जॉब। इफ 2 machines कैन डू द जॉब इन 13 days, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू डू द जॉब इन 13 days। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बड़ी सिंपल अप्रोच है। हम जो टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मैन डेज, उसका इस्तेमाल करते हुए वर्क निकालते हैं और दोनों को आपस में इक्वल करके और मैन और मशीन के बीच में जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई यहाँ पर कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम मैन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से और मशीन्स को सी से। देन 3 men and 8 machines can do the work in x days। तो इससे हमारा जो वर्क है वो हम मैन डेज एंड मशीन डेज की फॉर्म में निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 3m into x प्लस 8c into x। ऐसे ही अगर हम सेकेंड केस देखते हैं, 8 men and 3 machines कैन डू दिस वर्क इन 2x days। तो अब हम वर्क निकालते हैं, ये होगा 8 into 2 16 mx प्लस 3 into 2 6 cx। दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देते हैं। 3mx प्लस 8cx इज इक्वल टू 16mx प्लस 6cx। यहाँ पर ये 3mx को हम राइट में ले जाते हैं और 6cx को लेफ्ट में, तो 2cx इज इक्वल टू 13mx। xx हम कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 machines 13 men के इक्वल काम करती है इन द सेम टाइम। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, 2 machines कितने मैन के इक्वल है? 13 men के। तो अगर 13 days में 2 machines काम करती है तो 13 days के अंदर कितने मैन इस काम को कर सकते हैं? 13। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एरिया प्लॉट करना आता है तो। S जो है वो सेट है ऑल पॉइंट्स x, y का इन द xy प्लेन सच दैट मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। We need to find the area of the region represented by S। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें प्लॉट करना आना चाहिए। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, आप ये इनइक्वालिटी साइन की शुरुआत में चिंता ना करें, आप इसको एक इक्वालिटी की तरह डील करें। अब यहाँ पर मॉड्यूलस x और मॉड्यूलस y है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 केसेस बन जाएंगे। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली इक्वेशन बनाते समय एक बार इसको पॉजिटिव लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव लें तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दोनों को नेगेटिव ले लें तो माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करें, x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा तो x इक्वल टू 1 और नेगेटिव होगा तो माइनस x इक्वल टू 1। एक बार हमने इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया तो अब इन्हें प्लॉट करना हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पर ये हर एक को एक यूनिट की तरह से रिप्रेजेंट करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अगर हम इसके बारे में बात करें तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 2, दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। इसको अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू हम 2 ले लें। x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 2 लेने का मतलब है ये हमारी इक्वेशन होगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका एक बड़ा क्विक अप्रोच भी होती है, एक बेसिक फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फार्मूला। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहाँ ए रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और बी रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन की हम बात करें तो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 या एक्स ओवर माइनस 2 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। यानी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है माइनस 2 और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 2 और हम इनको कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। एंड फाइनली इसके बारे में अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 और वाई की वैल्यू माइनस 2, दैट मीन्स हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम होनी चाहिए. इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं 20, ये हो गया है 02, ये -20 और ये 0 -2. तो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं. x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ये वाली लाइन जहां पर x की वैल्यू हर बार 1 है, और x इक्वल टू -1 या -x इक्वल टू 1 का मतलब है ये वाली लाइन. ना हमें जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है. इसके लिए अब हम इनइक्वालिटी का सहारा लें. हमें पहले ये देखना है कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाए x + y = 2 तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई. अब x + y < 2 हम कहां ढूंढे. ये इस लाइन के इस तरफ का हिस्सा होगा या इधर का हिस्सा होगा. इसके लिए क्या करें, ओरिजिन का हम सहारा लें. इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 00. ये 00 हम इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करके देखें. अगर हम मान लीजिए इसको यूं लिखते हैं < <2 और 00 सब्स्टिट्यूट करके देखने पर अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है इसका मतलब है ओरिजिन डिजायर्ड रीजन में आता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो डिजायर्ड रीजन में नहीं आता है. तो जैसे ही हम यहाँ 00 पुट करेंगे 0 + 0 is definitely < 2. तो हम कहेंगे हमारा डिजायर्ड रीजन, अगर हम इस लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नीचे वाला हिस्सा होगा. ऐसे ही हम सारा रीजन पता कर सकते हैं. तो अभी जो हमें रीजन चाहिए वो ये होगा. तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइंस को प्लॉट करेंगे और फिर इन रीजन्स को हम वैल्यू निकाल के इनका एरिया निकालेंगे. ये दोनों का एरिया निकालने के लिए तरीका क्या होगा, एक का एरिया निकाल के उसे हम डबल कर देते हैं. यहां से यहां ये जो डिस्टेंस है ये है 2 और ये डिस्टेंस है 1, तो इस फिगर का एरिया होगा ½ × 2 × 1. और ऐसे क्योंकि दो रीजन्स हैं हम डबल कर देंगे. तो हमारा इस केस में जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 2 स्क्वायर यूनिट्स. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. 15 लाख रुपीस टोटल हैं. इन्हें 3 अलग अलग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया गया है. फिक्स डिपॉजिट्स में जहां पर 6% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, और अदर 2 डिपॉजिट्स में इन द रेशियो 2:1 जहां इंटरेस्ट मिल रहा है 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली. ओवरऑल 76,000 रुपीस एनुअल इंटरेस्ट इनकम हुई है. हमें पता करना है फिक्स डिपॉजिट में कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है. ये जानकारी लैक्स में है जबकि ये जानकारी ₹76,000 में है, और आंसर हमें लैक्स में निकालना है. तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वैल्यू को लैक्स में बदल देते हैं, और इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 1 लाख से. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.76 लाख रुपीस. लेट अस अज्यूम फिक्स डिपॉजिट में 3 लाख रुपीस खर्च किया गया है. तो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं. टोटल 15 में से 3 लाख यहाँ चला गया, तो बचा है 15 - 3 लाख रुपीस. इसे 2:1 की रेशियो में हम इन दोनों डिपॉजिट्स में डालेंगे. तो डिपॉजिट 1 में कुल कितना पैसा गया है, 2/3 इंटू 15 - 3x. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 - 6x/3 या 10 - 2x. तो ये वैल्यू हो गई है 10 - 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 - x. तो इन दोनों का सम 15 - 3x आ जाएगा. हमने जानबूझ के यहाँ पर वैल्यू 3x ली है क्योंकि हमें कैलकुलेशन में फ्रैक्शन अवॉइड करने हैं. यहाँ इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, 6% ऑफ 3x. तो इसे हम लिखेंगे 6/100 × 3x. यहाँ इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, 4%, दैट इज 4/100 × 10 - 2x. और यहाँ इंटरेस्ट इनकम होगी 3% ऑफ 5 - x. एंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम हमें कितनी गिवन है, 0.76. हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ये हो जाएगा 18x + 4 × 10 40 - 8x प्लस 3 × 5 15 - 3x डिवाइडेड बाई 100 is equal to 0.76. सॉल्व करने पर ये 8x और 3x माइनस 11x हो गया है, सो विल गेट 7x प्लस 55 इज इक्वल टू 76, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 7x हो गया है 21 या x की वैल्यू आ गई है रुपीज 3 लाख। जल्दीबाजी में आंसर 3 लाख मत करिएगा, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है और 3 × 3 करने पर ये वैल्यू आ जाएगी रुपीज 9 लाख। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो लिक्विड हैं हमारे पास में, लिक्विड 1 और 2, इनको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर जो मिक्सचर हमारे पास आता है उसके हाफ लीटर का वे है 480 ग्राम्स। हमें पता करना है मिक्सचर में लिक्विड 1 जो है वो वॉल्यूम वाइज कितना परसेंट है। गिवन दैट लिक्विड 1 जो है उसका 1 लीटर का वेट है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम और लिक्विड 2 के 1 लीटर का वेट है 800 ग्राम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि जो मिक्सचर है उसके 1 लीटर का वेट क्या होगा, क्योंकि बाकी दोनों जानकारी भी हमें 1 लीटर की फॉर्म में गिवन है। तो हाफ लीटर का वेट अगर 480 ग्राम है तो 1 लीटर का वेट होगा 480 का डबल या 960 ग्राम्स। तो यहां पर हमने जो मिक्सचर है उसके 1 लीटर का वेट निकाल दिया है। लेट अस अज्यूम हमने लिक्विड 1 x लीटर लिया है और लिक्विड 2 y लीटर लिया है, तो हमारे मिक्सचर का टोटल जो क्वांटिटी है वो हो गया है x प्लस y लीटर्स। यहां पर हम वेट पता कर लेते हैं, ये हो गया है 1000x ग्राम, यहां वेट हो गया है 800y ग्राम और जो टोटल वेट हो गया है वो हो गया है 960 इंटू एक्स प्लस वाई ग्राम्स। इसे सॉल्व करते हैं, 1000x प्लस 800y इज इक्वल टू 960x प्लस 960y या 40x इज इक्वल टू 160y या x इज इक्वल टू 4y। इसका मतलब है लिक्विड 1 अगर हमने 4y लिया है तो लिक्विड 2 y लीटर लिया है, टोटल क्वांटिटी हो गई है 5y लीटर्स। हमें पता करना है लिक्विड 1 लिक्विड 2 को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया है तो उसमें लिक्विड 1 जो है वो टोटल का कितना परसेंट है वॉल्यूम वाइज। जवाब होगा 4y ओवर 5y इंटू 100 या 80%। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इक्वेशन की प्रॉपर्टी के अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी मालूम होनी चाहिए थी। 2cos x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यूज के इक्वल गिवन है और हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करने हैं। हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड पोर्शन पे नजर डालनी होगी। 2 raised to the power x प्लस 2 raised to the power minus x जहां x एक रियल नंबर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ये 2 के इक्वल कब होगा, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 raised to the power 0 1 होगा, 2 raised to the power यहाँ भी 0 हो गया ये भी 1, तो 1 + 1 करने पर 2 आंसर आएगा। आप x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी लिख दें, से आपने 1 लिखा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 raised to the power 1 दैट इज 2 प्लस 2 raised to the power minus 1, इसे हम 1/2 कह सकते हैं। एज यू कैन सी हमारा आंसर 2 से बड़ा हो गया है। अगर x की वैल्यू हम 1 की जगह -1 पुट करते तो क्या होता, -1 इंटू माइनस करने पर ये प्लस हो जाता, तो यहाँ पर 2 raised to the power 1 2 हो जाता और अब ये 2 raised to the power -1 हो जाता। तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा और ये इक्वल टू 2 कब होगा, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, लेट अस अज्यूम कि इसकी वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो cos x इंटू एक्स प्लस 1 जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ना हमें मालूम है एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने कोसाइन से पढ़ी है, cos थीटा की वैल्यू हर हालत में -1 और +1 के बीच में होती है, हाईएस्ट वैल्यू +1 और लोएस्ट वैल्यू -1। तो ये वैल्यू 1 एक ही केस में हो सकती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0। ये 0 होने के लिए x की वैल्यू हैज टू बी 0। नाउ याद रखिए कि ये एक्सप्रेशन किसी भी हालत में अब 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए इसको हमने 3 लिख दिया, यहाँ जैसे ही हमने 3 लिखा cos x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, जो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है द ओनली वैल्यू दैट वी कैन टेक फॉर 2 टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस x विल बी इक्वल टू वॉट 2। तो हम इसको सिर्फ 2 ही ले सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही हमने 2 लिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई और x की वैल्यू 0 हमें मालूम है ऑलरेडी होती है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें m की वैल्यू पता करनी है। m और n दोनों इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 4, 9, 8, 2, 3 एंड 16, 64 जो यूज़ हो रहे हैं ये या तो 2 की पावर्स हैं या 3 की पावर्स हैं। तो पूरे क्वेश्चन को पहले हम 2 या 3 की पावर्स में बदल देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1/2, यहाँ पर 19 है। ये 3 रेज टू द पावर 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर n, 16 को हम 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 64 रेज टू द पावर 1/4 एंड 64 को भी हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6। सॉल्व करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 रेज टू द पावर 19/2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2m इंटू 2 रेज टू द पावर 3n इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर 4m इंटू 2 रेज टू द पावर 6/4, या इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 19/2 प्लस 4 प्लस 3n। ऐसे ही इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी 4 प्लस 2n। राइट हैंड साइड पे देखें तो 2 ये बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी 4m प्लस 3/2 एंड 3 रेज टू द पावर n। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो इनकी पावर्स इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स 19/2 प्लस 4 प्लस 3n इज इक्वल टू 4m प्लस 3/2। और ऐसे ही अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो 4 प्लस 2m इज इक्वल टू n। क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे n को एक तरफ लिखेंगे और बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर वी कैन राइट डाउन 3m इज इक्वल टू 4m प्लस 3/2 और ये -4 और -19/2 हम इधर ले जाएंगे। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 -19/2 करेंगे तो विल गेट -16/2। -16/2 को हम कहते हैं -8 और -8 और -4 ये हो गया है -12। ये हमारे पास में 3n की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर भी अगर हम 3n कर दें तो इसको इंटू 3 करने पर 12 प्लस 6m आ जाएगा। इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। सो 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 6m या 2m इज माइनस 24, देयर फोर m इज इक्वल टू माइनस 12। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हमें पता करना है इस इक्वेशन के कुल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर हम 3 केसेस ले लेते हैं। केस नंबर 1 जब x की वैल्यू 0 होगी, केस नंबर 2 जब x की वैल्यू मोर देन 0 होगी एंड केस नंबर 3 जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। as we put x equal to 0 in the expression, we find कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जीरो पुट करते ही ये हिस्सा भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा. सो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 तो हमारा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा ही होगा. अच्छा, अगर x मोर देन 0 हो तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस साइन लगा हो और अंदर वाली वैल्यू अगर मोर देन 0 हो तो उसे बाहर निकालने के लिए प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा प्लस एक्स इंटू 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x². और अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो मॉड्यूलस के तो उसे बाहर निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा. थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट्स में. अभी ऐसा लग सकता है कि नंबर एक नेगेटिव है, बट एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज x को हमने एक नेगेटिव नंबर इमेजिन किया है. अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव साइन गिव्स अ पॉजिटिव नंबर. तो यहाँ पर ये दो केसेस बन गए. अब हम देखते हैं कि क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या. ये हो जाएगा 6x³ प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x². 6x³ माइनस 5x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स यहाँ कॉमन ले लेते हैं. 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने x को ग्रेटर देन 0 अज्यूम किया है, तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा 0 होगा. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वी कैन टेक 3x कॉमन हियर, 2x माइनस 1 कॉमन हियर, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Now we can take 2x minus 1 common and 3x minus 1 is equal to 0. ये दोनों 0 कब होंगे, इनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो. ये 0 होगा जब x की वैल्यू होगी 1/2 और ये 0 होगा जब x की वैल्यू होगी 1/3, क्योंकि हमने x को मोर देन 0 अज्यूम किया है और ये दोनों ही वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. तो हम कहेंगे इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस और होंगे. एक होगा x इक्वल टू 1/2 और एक होगा x इक्वल टू 1/3. अब हम थर्ड केस पे फोकस करेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वील गेट माइनस 6x³ माइनस x इज इक्वल टू 5x². इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. 6x³ प्लस 5x² प्लस x इज इक्वल टू 0. अगेन वी कैन टेक x कॉमन. 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स के नॉट भी इक्वल टू 0 बिकॉज हमने x को लेस देन 0 अज्यूम किया है. डेफिनेटली 6x² प्लस 5x प्लस 1 मस्ट भी इक्वल टू 0. यहाँ अगेन हमें दो फैक्टर्स करने होंगे मिडिल टर्म के. 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 3x कॉमन लेने पर 2x प्लस 1 बाहर ले लेने पर 2x प्लस 1. वी कैन टेक 2x प्लस 1 कॉमन, 3x प्लस 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. ये 0 होने के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस 1/2 और इसके 0 होने के लिए x की वैल्यू माइनस 1/3. क्योंकि हमने x लेस देन 0 अज्यूम किया है, दोनों ही वैल्यूज लेस देन 0 हैं, हम कहेंगे ये दोनों भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. तो ओवरऑल कितने सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं यहां पर, जवाब होगा 5. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है. लेट अस अज्यूम वो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, जहां a b से बड़ा है. इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 616. डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस का रेशियो हमें गिवन है 157:3. हमें इन दोनों नंबर्स का सम पता करना है. सॉल्व करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 157/3. इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. 3 टाइम्स ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 9 टाइम्स ए बी। ए इंटू बी हमें मालूम है 616 है, ए माइनस बी 157 ए माइनस बी का होल क्यूब। ये 3 जब हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा 154 ए माइनस बी होल क्यूब। और ये पूरा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा। 616 को हम लिख सकते हैं 154 इंटू 4 ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 154 ए माइनस बी हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होने के लिए ए और बी को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। अगर हम ए और बी को आपस में इक्वल करते हुए x मान लेते हैं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 616 होना चाहिए, पर यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कहेंगे ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसे हम यहाँ रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ए बी की वैल्यू हमें मालूम है 616 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करें, प्लस 2ab और माइनस 2ab और कर दें तो ये हिस्सा हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये हो गया है माइनस 4ab। तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 4ab, तो 4 इंटू ए बी दैट इज 616 प्लस 36, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2464 प्लस 36, या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, या a प्लस बी इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर ब्रिक है हमारे पास जिनकी एजेस की लेंथ हमें गिवन है, लेटेस्ट से ए बी एंड सी। हमें नहीं मालूम है कि कौन सी सबसे बड़ी एज है, कौन सी सबसे छोटी एज है। इनकी जो फेसेस हैं इनके डायगनल्स की लेंथ का रेशियो हमें गिवन है। जैसे अगर हम इस फेस की बात करें तो ये जो डायगनल है इसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस फेस की बात करें तो डायगनल की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस फेस की बात करें तो डायगनल की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेशियो हमें गिवन है। हमें पता करना है इस रेक्टेंगुलर ब्रिक की जो शॉर्टेस्ट एज है और लॉन्गेस्ट एज है उनकी लेंथ का रेशियो क्या है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो क्योंकि हमें डायगोनल की लेंथ का रेशियो गिवन है, हम इनके स्क्वायर का रेशियो निकाल देते हैं। तो अगर हम इन सभी टर्म्स को स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 4 इंटू 3 करने पर ये 12 हो गया है, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर करने पर 15 आ गया है। समझने के लिए काम करते हैं, इसको 9x ले लेते हैं, इसे 12x और इसे 15x ले लेते हैं। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन तीनों का सम। ये 9x लिया है हमने, ये 12x और ये 15x, तो ये हो गया है 36x। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा 18x। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने क्या लिया है? ये लिया है 9x। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने क्या लिया है? 12x। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिया है 15x। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें देन वी विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो b की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9x, a की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6x और c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ये शॉर्टेस्ट एज है और ये लॉन्गेस्ट एज है, इनका रेशियो अगर हम निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9x हमें करना होगा। ये x तो कैंसिल ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो कार्स हैं, लेट्स से वो डिपार्ट करती हैं फ्रॉम पॉइंट पी टूवर्ड्स क्यू, ये इनका कॉमन डेस्टिनेशन है। कार ए रवाना होती है सुबह 10 बजे और कार बी रवाना होती है सुबह 11 बजे। कार ए जो है वो मिनिमम 6 आवर्स ट्रैवल करती है। हमें पता करना है कि जो कार बी है उसकी स्पीड कार ए की स्पीड से मैक्सिमम कितने % ज़्यादा हो सकती है। ना यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो की है वो सिर्फ ये है कि कार बी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 आवर लेस लेती है। दैट मीन्स अगर हम कार ए का टाइम टेकन 6 आवर्स लेंगे तो कार बी उसी जर्नी को 5 आवर्स में ट्रैवल करेगी। कार ए अगर 7 आवर्स लेगी तो कार बी 6 आवर्स लेगी, ये अगर 8 आवर्स लेगी तो ये 7 आवर्स लेगी एंड सो ऑन। तो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनका जो टाइम लगा है उसका रेशियो हमें गिवन है, तो हम उनकी स्पीड का रेशियो हम पता कर सकते हैं। अगर टाइम टेकन रेशियो 6:5 होगा तो स्पीड रेशियो 5:6 होगा। टाइम टेकन रेशियो 7:6 है तो स्पीड रेशियो 6:7 होगा। 8:7 है तो ये 7:8 होगा एंड सो ऑन। कार बी की स्पीड कार ए की स्पीड से कितने % ज्यादा है ये पता करना मुश्किल नहीं होगा इस केस में। 1/5 × 100 दैट इज 20%। यहाँ पर कार बी की स्पीड ज्यादा है 1/6 × 100 दैट इज 16.66%। यहाँ पर ये ज्यादा है 1/7 × 100 14.28%। एज वी कैन सी जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ये कम होता जा रहा है। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो वैल्यू है वो क्या होगी 20% और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करें तो वो आएगा x - 3 × x + 2 दिस इज इक्वल टू x + 2। नाउ ये एक्सप्रेशन x + 2 के इक्वल कब हो सकता है, जब x - 3 की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। अगर हम x - 3 की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 4 और अगर हम x - 3 की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो भी हमारे पास में x की वैल्यू आएगी 2। तो अभी तक हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स आ चुके हैं। ऐसे ही ये एक्सप्रेशन जो है x + 2 के इक्वल हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी। ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल भी हो सकता था अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते -2। तो जैसे ही हम -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 और +2 ये तो हो गया है 0 और यहाँ पर भी 0 हो गया है और 0 का मॉडुलस लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रूट आ गया है। इसके अलावा और कोई रूट्स नहीं होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो इन सभी डिस्टिंक्ट रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा 4 × 2 × -2, यह आंसर होगा -16। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी दो पर्सन्स हैं जो एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। यूजुअली लेट अस अज्यूम ए कंट्रीब्यूट कर रही हैं x यूनिट्स पर डे और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं y यूनिट्स पर डे। तो दोनों को इस टास्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगते हैं। अगर ए अपनी यूजुअल एफिशिएंसी की हाफ एफिशिएंसी से काम करे दैट मीन्स वो पर डे x/2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करे और बी अपनी यूजुअल एफिशिएंसी की 3 टाइम्स एज एफिशिएंसी से काम करे, यानी वो 3 Y यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट करे, तो काम 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता करना है कि ए अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से अगर काम करे तो इस पूरे काम को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन में वर्क निकालें, उन वैल्यूज को इक्वल करके एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई कर लें। एक्स यूनिट्स पर डे फॉर 12 डेज, तो वर्क कॉन्ट्रीब्यूटेड 12 X यूनिट्स। वाई यूनिट्स पर डे फॉर 12 डेज, सो वर्क कॉन्ट्रीब्यूटेड 12 Y यूनिट्स. This will represent the total work in the first case. What about the work in the second case? X by 2 units for 9 days plus 3 Y units for 9 days. दोनों ही केसेस में वर्क जो है वो तो सेम है, तो ये हो जाएगा 9/2 यानी 4.5. 4.5 को अगर हम इधर ले आए तो वी विल बी लेफ्ट विथ 7.5X. ऐसे ही ये हो गया है 27Y और 12Y उधर चला गया है, तो वी विल गेट 15Y. तो X इज इक्वल टू 2Y. यहाँ पर A जो यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रही है पर डे वो B की पर डे यूनिट से डबल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक बार ये पता चल गया कि X की वैल्यू 2Y के इक्वल है, तो अगर B Y यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो A करेंगी 2Y यूनिट्स पर डे और दोनों मिलके 3Y यूनिट्स पर डे, तो 3Y इंटू 12 करने पर टोटल वर्क हो गया है 36Y यूनिट्स। अगर ये सारा काम A अकेले करें तो कितने दिन लगेंगे? हम टोटल वर्क को इनके वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर एज व्हाट 18 डेज। ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशंस फॉर्म करते हुए सावधानी से कैलकुलेशन करनी होगी। 22 स्टूडेंट्स हैं, उनमें रमेश एंड गौतम भी हैं। लेट अस से उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर और जी से। रमेश ने स्कोर किया है 82.5 मार्क्स, गौतम का स्कोर हमें पता करना है। रमेश और 20 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम जो हैं उनका एवरेज स्कोर हमें गिवन है 62। जब हम 22 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज गौतम और 20 स्टूडेंट जो हैं अदर देन रमेश उनके एवरेज स्कोर से 1 ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनके स्कोर का सम हम ले सकते हैं। सो सम ऑफ स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लें लेट अस से सम ऑफ स्कोर्स हो गया है X। तो अगर हम इस कंडीशन को लगाते हैं, एवरेज निकालने का क्या तरीका है, रमेश का स्कोर प्लस इन 20 स्टूडेंट्स के स्कोर्स का सम दैट इज X डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 62। तो इससे हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R और वो हो जाएगी 21 इंटू 62 माइनस R। लेट अस से ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है, तो इस जानकारी की अब हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें, 22 स्टूडेंट्स का एवरेज हम कैसे निकालेंगे, रमेश का स्कोर प्लस गौतम का स्कोर प्लस 20 स्टूडेंट्स की जो स्कोर है उसका सम X डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 1 मोर देन एवरेज ऑफ गौतम प्लस 20 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। तो हमने लिखा यहाँ पर गौतम प्लस X डिवाइडेड बाय 21। यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और G की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस G प्लस X ओवर 22 इज इक्वल टू 21 प्लस G प्लस X ओवर 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 इंटू R प्लस 21 इंटू G प्लस 21 इंटू X इज इक्वल टू 22 इंटू 21 प्लस 22 इंटू G प्लस 22 इंटू X। इस इक्वेशन को हम X की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। 21X को उस तरफ ले जाएंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, 22X माइनस 21X हो गया है X के इक्वल और अब हम इन दो वैल्यूज़ को इस तरफ ले आते हैं तो ये होगा 21R प्लस 21G में से 22G माइनस होगा तो वी विल गेट माइनस G एंड माइनस 22 into 21. लेट अस से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो क्या होगा 21R माइनस G माइनस 22 into 21 इज इक्वल टू 21 into 62 माइनस R। अभी तक हमने R की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं की है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। G की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। माइनस R इधर आके प्लस हो जाएगा सो विल गेट 22 into R माइनस 22 into 21 माइनस 21 into 62। तो G की वैल्यू हो जाएगी 22 into R। R की जगह हम लिख सकते हैं 82.5। यहाँ अगर हम 21 कॉमन ले लें तो 22 plus 62 ये हो गया है 84। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो गया है 1815 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया है 1764। G की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी 51। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। XY पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। log ऑफ x प्लस वाई टू द बेस 5 प्लस log ऑफ x माइनस वाई टू द बेस 5 की वैल्यू 3 के इक्वल है। log ऑफ y टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू इक्वल है 1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2 के। हमें x इंटू वाई की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मालूम हो। यहाँ पर बेस सेम है, दो लॉग हैं यहाँ पर और साइन जो है वो प्लस है तो रूल कहता है कि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3 के। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 raised to the power 3 या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे नजर डालते हैं। यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, बेस सेम है तो ये हो जाएगा लॉग वाई ओवर एक्स टू द बेस 2। 1 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 टू द बेस 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2। यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया है। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई ओवर एक्स टू द बेस 2। यहाँ अगेन बेस सेम है, लॉग हम ले रहे हैं एक के पहले प्लस और एक के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा लॉग 2 over 3 टू द बेस 2। दोनों तरफ लॉग है, बेस सेम है तो हम लॉग को रिमूव कर सकते हैं तो वाई अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 2 over 3 की। अब यहाँ पर क्योंकि हमें y और x का रेशियो मिल चुका है हम एक काम कर सकते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 2k और x की वैल्यू ले लेते हैं 3k और ये वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 9k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 4k स्क्वायर। सो 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 125, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। k की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी पर नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जैसे ही हमने k की वैल्यू 5 पुट की हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 15 और x इंटू वाई करने पर 10 into 15 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 150।